नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मल्टी बैगर शेयर के बारे में, जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आने वाले समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, ये अप्लाई तभी होगा जब सिचुएशन मेरा नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं सिचुएशन को हम काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े शहर है काफ़ी जगह, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ सिचुएशन नॉर्मल होने लगा है। जैसे आप पहले देखते थे सारी एक्टिविटीज़ उसी तरह से नॉर्मल होने लगा है, तो इस तरह का सिचुएशन अभी हर जगह नहीं है। कई जगह सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और कई जगह सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल होने लगा है। लेकिन फिर भी हम काफ़ी सतर्क हैं, क्योंकि हमारा सिचुएशन जो है वो जो बीमारियां हैं ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, मतलब कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो इन सिचुएशन को ध्यान में रखना है। ये सिचुएशन जैसे पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है तो ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा, जो स्टॉक हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस स्टॉक पर चलते हैं। तो ये स्टॉक से हमारा जुबिलेंट फूड ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक से आप देख सकते हैं, इसका बिजनेस पूरी तरह से बंद है। बिजनेस पूरी तरह से बंद होने के बावजूद आप ये स्टॉक्स गिरावट करता हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई पे है। ये स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई पे है। दोस्तों, हम भी इसका वेट कर सकते थे, यहाँ पर हमने बाय इस स्टॉक को नहीं कर सका। यहाँ जो 20 मार्च को गिरावट आया था मार्च में, तो ये मात्र जो है आपको 1200 रुपीज पर मिल रहा था, 1200 रुपीज पर, और वहाँ से ये इतना तेजी से रिकवर किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तुरंत 1700 पर आ गया। ये जो है आपको अप्रैल में ही, यहाँ पर देख लीजिए, अप्रैल नहीं मई के शुरुआत में ही ये 1700 पर पहुँच चुका था। अब यहाँ से रिजल्ट काफ़ी ख़राब हुआ तो भी इसमें गिरावट नहीं हुआ, उल्टे आप देख सकते हैं ये काफ़ी यहाँ से, मतलब काफ़ी यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ से आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेज में यहाँ पहुँच चुका है। 6 डेज में ये 1900 के करीब पहुँच चुका है 1700 से। तो ये स्टॉक्स है जिसका बिजनेस पूरी तरह से बंद है, उसके बावजूद ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पूरी तरह से अगर हम इसका डेप्ट की बात करें तो बैलेंस शीट पे चलेंगे तो देखेंगे क्या कंपनियां डेप्ट फ्री है या नहीं, तो डेप्ट फ्री की बात करेंगे। लेकिन टेक्निकली देखिएगा तो ये स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल चार्ट पे आप देखते जाइए, ये स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देख सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई 1900 से ऊपर है, तो अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है। उसे के पहले देखिए तो आप दिसंबर 19 में ये स्टॉक्स मात्र 1575, मतलब 1600 से भी नीचे था दिसंबर महीने में, जबकि बिजनेस पूरी तरह से नॉर्मल चल रहा था। अभी बिजनेस पूरी तरह से बंद है कई महीने से, 6 महीने से, उसके बावजूद ये स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स आप में आपको इन्वेस्ट करना है अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी इसके बात करें हम, अगर इसके हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर पहला जो सपोर्ट लेवल बनता है वो है 1700, मतलब अगर 1700 पर आपको ये मिलता है स्टॉक्स तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें। अगर मार्केट में ही कभी करेक्शन आ जाता है देखने के लिए, जैसा कि हमको मार्च में देखने मिला, तो कभी करेक्शन आता है देखने के लिए मार्केट में, तो ज़रूर आप उसमें बाय कर सकते हैं। तो एवरी डिप, हर गिरावट में यह बाइंग है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, हर गिरावट में आप इसमें बाय करें, तो आप इसमें वेट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है 1700 पर आप पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, उसके बाद हर गिरावट, जितना गिरावट आएगा हर गिरावट में ये बाय होगा, आप हर गिरावट में इसे बाय करेंगे। तो ये था बेहतरीन टेक्निकल, इसका मतलब टेक्निकल चार्ट यहाँ पर देखते हैं, टेक्निकल चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये स्टॉक्स कभी भी वीकनेस नहीं दिखाया है अपने टेक्निकल चार्ट पर, जो हमारा पैंडमिक आया इसी के कारण इस स्टॉक में गिरावट आया है। वीडियो के लास्ट में हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को दिखाएंगे, आपको पिछले 10 साल के चार्ट बताएंगे। 10 साल कंपनी का लिस्टेड होना हो गया है और कंपनी काफ़ी अच्छा बोनस भी देता है, मतलब 10 साल में एक बार बोनस, 2 बार बोनस भी कंपनी दे चुकी है। सारी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, चलते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं वैल्यूएशन पर। तो वैल्यूएशन कंपनी का देख लेते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है। तो 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कंपनी है। PE 89 का है, जो कि इंडस्ट्री के पे से काफ़ी हाई है। उसके बाद यहाँ पर डिविडेंड देता है, 60% का डिविडेंड देता है। फेस वैल्यू 10 है, मतलब 6 रुपये आपको डिविडेंड भी मिल जाता है कंपनी में। अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज़ का है। तो ये तो सारे वैल्यूएशन के पैरामीटर हो गए। अब हम चलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन पर। कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं कंपनी कब कब डिविडेंड दी है, कब बोनस दी है। तो कंपनी यहाँ देख सकते हैं, कंपनी डिविडेंड हर साल देती है, तो डिविडेंड हर साल दी है। उसके बाद बोनस, कंपनी एक बार आपको बोला 2018 में बोनस भी दी है कंपनी। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट कभी नहीं हुआ है, तो काफ़ी बेहतरीन है। 10 रुपये का फेस वैल्यू है, तो आपको अगर स्टॉक स्प्लिट मिल कभी भी होता है तो उसका भी बेनिफिट्स मिलेगा। उसके बाद फाइनेंशियल पर चलते हैं।
तो फटाफट हम कंपनी के सारे पैरामीटर्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल पर देखिएगा तो कंपनी का प्रॉफिट हमने जैसा कि कहा मार्च क्वार्टर में काफ़ी फॉल हुआ है, जून क्वार्टर में तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग निग्लेजिबल हो जाएगा क्योंकि काफ़ी प्रभावित हुआ है। ये तो कुछ ही दिनों में इतना ज़्यादा रिजल्ट प्रभावित हुआ तो जून क्वार्टर तो पूरी तरह से क्लोज है। उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में देखिएगा तो 101 करोड़ था, मतलब हमेशा देख सकते हैं प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था। यहाँ पर डायरेक्ट देखना मार्च क्वार्टर में 50% से भी ज़्यादा फॉल हो गया कंपनी का प्रॉफिट, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है प्रॉफिट में। उसके बाद हम इसका बैलेंस शीट को देख लेते हैं तो कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी डेब्ट फ्री है, कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है। रिजर्व देख लीजिए 1050 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, कंपनी के पास डेब्ट एक रुपया का भी नहीं है। तो इसीलिए फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है, तो ऐसे कंपनियों का जो फंडामेंटल्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बिजनेस में पूरी तरह से मोनोपोली है। जो कंपनी की वेबसाइट है उस पर हम ले चलेंगे, आपको बिजनेस दिखाएंगे, जो डोमिनोज पिज्जा है, डंकी डोंट्स है, ये सारे जो बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा आपको मेट्रो जो हम मेट्रो स्टेशन होगा वहाँ मिल जाएगा, आपको कई सारे जो बड़े बड़े मॉल है वहाँ मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस अच्छा है, मतलब इसके प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, यूथ में, मतलब यूथ जो युवा लोग हैं उसके बीच। कैश और बैंक बैलेंस देख लीजिए 639 करोड़ का है, काफ़ी ज़्यादा रिजर्व मतलब कैश और बैंक बैलेंस बढ़ा है कंपनी का। और यहाँ पर करेंट एसेट जो है निगेटिव है कंपनी का, लेकिन बुक वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है 2020 के फाइनेंशियल ईयर में। अब हम आपको लेकर चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज है कंपनी का, उसमें अर्निंग पर से देखिएगा तो 20 में डिक्रीज किया है, काफ़ी ज़्यादा कंपनी को इफेक्ट पड़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिएगा 23 है जो कि थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 22.36 है, ये भी डिक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट ये भी हाफ हो चुका है पिछले 19 ईयर के फाइनेंशियल से 20 में रिटर्न ऑन एसेट, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन था कंपनी का, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है पेंडेमिक का। करेंट रेशियो कंपनी का ये भी काफ़ी बेहतरीन है 1.19, मतलब कंपनी लगातार अपने एक्सपेंशन पे ध्यान रही है, कंपनी लगातार अपने एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है। अब हम चलते हैं कंपनी के वेबसाइट पर, तो ये है कंपनी का वेबसाइट, यहाँ पर देखते हैं जुबलेंट फूड वर्क, और यहाँ पर हम चलते हैं नीचे कंपनी का प्रोफाइल में, तो यहाँ देखते हैं जुबलेंट भाटिया ग्रुप, जुबलेंट भाटिया ग्रुप का ये एक कंपनी है। यहाँ पर इसका देख लीजिए जो मेन प्रोडक्ट है डोमिनोज, डंकिन डोनट्स, और यहाँ पर देखते हैं होंग्स किचन, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है इसके। तो ये सारे ब्रांड जो है, ये जो तीनों ब्रांड है कंपनी का, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड है इस तीनों ब्रांड के प्रोडक्ट का, तो आप इसके प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए। और ये जो है कंपनी अभी न्यू कंपनी है, मात्र 10 साल हुआ है, और आगे जो है ये कंपनी आराम से 20 से 30 साल तक मार्केट में सर्वाइव कर सकता है, तो निश्चित है कि आपको एक बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होगा लॉन्ग टर्म में, तो ये सब बातों को ध्यान रखा जाता है। चलिए अब हम लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हैं, कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट क्या कहता है। तो दोस्तों ये देख लीजिए लॉन्ग टर्म चार्ट है इस कंपनी का, यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन चार्ट है। थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट आया था आपको 2017 में गिरावट आया था, नहीं तो कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिया इन्वेस्टर को। देखते हैं आपको 10 साल में ये 15 गुना आपके मनी को कर दिया, 1500 टाइम्स का रिटर्न है, मतलब आप अगर 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहते तो वो 1,600,000 होता अभी। तो दोस्तों ऐसा FD पे कभी ब्याज नहीं मिलने वाला है, अगर आपको एकदम शांत से सोए रहना है तो FD में लगाइए रुपया और आराम से सोए रहिए, 5% प्राप्त कीजिए, यहाँ आपको हर साल का 100% से भी अधिक का रिटर्न मिल रहा है ऐसी कंपनियों में, 100% से भी अधिक का रिटर्न। अब आपको क्या चाहिए बताइए, तो 100% से अधिक का रिटर्न, तो अगर आप लॉन्ग टर्म 20 साल 30 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो समझ जाइए आपका रुपया कितना ज़्यादा 50-100 गुना हो जाएगा आपको इस कंपनियों में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।